नमस्कार दोस्तों, अधिकतर सुनने में आता है कि हमारे बच्चे कहना नहीं मानते, जो हम बनाना चाहते हैं वो बनना नहीं चाहते, उनकी अलग ही सोच है, हमारी सोच से मेल नहीं खाती। तो आप खुद सोचिए, क्या हम अपने माँ बापों का कहना मानते थे? और मानते थे तो भी कितना परेशान होते थे, जब भी कोई बात होती थी कैरियर की या कोई और बात जो हमारी रुचि से जुड़ी हुई होती थी और हमें पसंद नहीं आती थी, तो हम भी उनका कहना नहीं मानते थे। और ऊपर ऊपर हमें कहना मानकर कुछ काम करने पड़ते थे, लेकिन वो भी हम बेमन से करते थे, क्योंकि उस समय हमें माँ बापों का कहना मानना पड़ता था, वही काम करने पड़ते थे, इसलिए हम करते थे। लेकिन आजकल के बच्चे खुले विचारों वाले हैं और हमने भी उन्हें पूरी छूट दे रखी है कि वो जैसा चाहें वैसा कर सकते हैं, तो वो अपने विचार आपसे शेयर करते हैं। हमारे बच्चे हमारा कहना नहीं मानते, हमने हमारे बड़ों का कहना पूरी तरह से नहीं माना, माना भी तो मन को मार कर माना, तो इसे हम क्या कहेंगे? बस यही है जनरेशन गैप, जो हमेशा हर पीढ़ी में बना रहता है। क्योंकि आप अगर देखेंगे तो सामाजिक व्यवस्थाओं में भी परिवर्तन समय समय पर होता रहता है। हमारी जो मानसिकता है वो हमारे माता पिता की मानसिकता नहीं थी, वो बहुत ही सेफ जोन में चलना चाहते थे, वो चाहते थे कि बहुत ही सुरक्षित तरीके से हम लाइफ को बिताएं, बहुत ही इस तरीके से कि हमारी जो लाइफ है बहुत ही सामान्य तरीके से चलती रहे और ज़्यादा उतार चढ़ाव हमारी लाइफ में ना हो। तो हम एक साधारण सी नौकरी कर लें और जो हमारा परिवार है वो हमारा परिवार जो है, हम जहाँ पर रहते हैं वहीं पर रहें, अपने पैतृक मकान में रहें। लेकिन धीरे धीरे जब हमारी पीढ़ी आई, तो हमारी पीढ़ी में हमने घर से बाहर निकलकर नौकरियां भी की, दूसरे राज्य में भी गए, दूसरे शहरों में भी गए, वहां पर जाकर बस गए, हमारी रुचि का हमने काम किया, जबकि हमारे जो बड़े बुजुर्ग थे वो ऐसा नहीं चाहते थे और वो अपनी ही जगह पर रहना चाहते थे, अपनी जगह को कभी छोड़ना नहीं चाहते थे। तो वो एक जनरेशन गैप उनके और हमारे बीच में रहा। अब है बच्चों की बारी, तो उनके समय में और हमारे समय में जब इतना परिवर्तन आ गया, तो हमारे समय में और हमारे बच्चों के समय में तो बहुत परिवर्तन आ गया है। अब तो इतने सारे कैरियर ऑप्शंस हैं कि हम खुद नहीं समझ पाते कि क्या इस तरह के कैरियर भी होते हैं। लेकिन हमारे बच्चे जो कि आज कंप्यूटर से जुड़े हुए हैं, जो कि आज विश्व की जानकारी अपने छोटे से स्मार्टफोन में लेकर चलते हैं, तो उन्हें सब कुछ पता है। और जो वो पढ़ाई कर रहे हैं, आज जो वो शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, और पढ़ने के साथ साथ देश विदेश की बातों को समझ रहे हैं, वहाँ का रहन सहन, वहाँ की भाषा, वहाँ की वहाँ का कल्चर, और वहाँ जो सुविधाएं मिल रही हैं, और एक जो लाइफ उनको बेटर वहाँ नजर आती है, उन सबको देखते हुए, और साथ ही साथ वहाँ जो जॉब मिल रही है उस जॉब को देखते हुए, उन नौकरियों को देखते हुए, या अपने व्यवसाय के आइडियाज को देखते हुए कि मैं एक बेटर आइडिया मेरे पास है और मैं इस तरह का कोई व्यवसाय करना चाहता हूँ और मेरा व्यवसाय बहुत वहां चल जाएगा, दूसरी जगह चल जाएगा, तो वो वहां जाना चाहते हैं, बाहर निकलना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं। और हम लोग यही चाहते थे कि हमें बस एक नौकरी मिल जाए और हम चैन से अपनी लाइफ बिता सके। तो आज भी हम बच्चों को डांटते हैं पूरे टाइम, पढ़ो पढ़ो पढ़ो, पढ़ के आप कोई ना कोई नौकरी के लिए कोशिश करो, चाहे सरकारी नौकरी हो चाहे प्राइवेट नौकरी हो, लेकिन हम बच्चों को तैयार करते हैं नौकरियों के लिए ही, ताकि एक जीवन की उनकी सुरक्षा हो जाए कि हाँ लाइफ में बच्चे अब सेटल हो गए हैं, बढ़िया सी नौकरी लग गई है, घर है, शादी विवाह हो गया, अपनी एक अच्छी सी फैमिली है, चलो बस। लेकिन आज के बच्चे रिस्क लेना जानते हैं और उन्हें लगता है कि जीवन में रिस्क लेनी पड़ती है अगर आप बहुत अच्छा कुछ करना चाहते हो। तो कुछ बच्चे तो नौकरी करना चाहते हैं बड़े होकर, लेकिन कुछ बच्चे नौकरी नहीं करना चाहते, वो चाहते हैं अपना व्यवसाय करना, अपना काम करना और सबसे अच्छा करके दिखाना, और साथ ही वो चाहते हैं कि मैं दूसरों की नौकरी ना करूं बल्कि मैं खुद ऐसा काम करूं जिसमें मैं कई लोगों को नौकरियां दे सकूं, कई लोगों का भविष्य संवार सकूं, कई लोगों का जीवन उस कार्य से चल सके। तो ये उनकी सोच कुछ गलत नहीं है, और हम अपने बच्चों पर भरोसा नहीं करते, हम ये सोचते हैं कि नहीं ये इतना कुछ नहीं कर पाएगा, हमें लगता है कि इसमें इतनी क्षमता नहीं है, कर नहीं पाएगा। लेकिन बच्चे जो कि एनर्जेटिक हैं, अभी बहुत कुछ करने का हौसला भी रखते हैं और ताकत भी रखते हैं,
उनमें इतना बेटर विजन है लाइफ के लिए जो हम नहीं सोच सकते। तो इसीलिए जब हमारी करियर को लेकर बात होती है तो हमारी हमेशा अनबन हो जाती है बच्चों से, और बातें तो बच्चे मान लेते हैं, चलो ठीक है, खाना पीना रहना आना जाना इन सब बातों को तो वो मान लेते हैं, लेकिन कैरियर की बात पर वो नहीं मानते। और यहीं से हमारा जो जनरेशन गैप में एक तनाव वाली स्थिति है वो पैदा होती है, या कि कहिए कि छोटी मोटी लड़ाई झगड़े वाली स्थिति पैदा होती है और माता पिता की बच्चों से नहीं बनती है। तो इसमें आप एक बात में ये कहना चाहूंगी कि जब ये जनरेशन गैप बरसों से चल रहा है, चलता आ रहा है, आज भी चल रहा है, आगे भी चलेगा, जब उनके बच्चे होंगे तो उनकी बात भी वो नहीं सुनेंगे, क्योंकि तब तक समय और आगे निकल जाएगा और बेटर ऑप्शंस उन बच्चों को मिल जाएंगे हमारे बच्चों से भी ज्यादा, और उनको लाइफस्टाइल और भी दूसरी तरह की दिखाई देने लग जाएगी, तो उनकी भी उनसे नहीं जमेगी। तो ये जनरेशन गैप जो चलता आ रहा है वो चलता ही रहेगा, ये कहीं रुकने वाला नहीं, लेकिन हम इस जनरेशन गैप में सामंजस्य बनाकर कैसे चले अपने बच्चों से। सामंजस्य बनाने के लिए थोड़ा बहुत जब बच्चे हमारी समझते हैं, हमारी सुनते हैं, तो थोड़ा बहुत हमें बच्चों के आइडियाज को भी सुनना चाहिए, समझना चाहिए कि आखिर बच्चे क्या करना चाहते हैं, और जो बच्चे करना चाहते हैं उन्हें एक बार खुली छूट देनी चाहिए कि हाँ चलो तुम करके देखो, तुम क्या करना चाहते हो, हम तुम्हारा पूरा सपोर्ट करेंगे, पूरा सहयोग करेंगे, और अगर सहयोग करने के बाद भी अगर वो जो काम वो करना चाहते हैं उसमें सफल नहीं हो पाते तो अपने आप ही वो समझ जाएंगे कि मुझे ये काम नहीं करना है, तो अपने आप जो आप उनको सलाह देंगे वो सलाह भी वो आपकी मानेंगे, लेकिन जो वो करना चाहते हैं उसे एक बार ट्राई करे बिना वो आपका कहना नहीं मानने वाले। तो एक बार उनके मन में जो धारणा बनी हुई है, जो विचार है, या जो उनके उनका विजन है, या जो उन्होंने योजना बनाई है, उस योजना के हिसाब से भी उनको काम करके देख लेना चाहिए, और साथ ही साथ हमें बच्चों का सहयोग करना चाहिए। और ऐसा नहीं है कि वो हर बार असफल होंगे, हो सकता है 10% बच्चे सफल ना हो, लेकिन ज्यादातर बच्चे जो कि शुरू से देख रहे हैं, समझ रहे हैं, इस वातावरण को समझ रहे हैं, आज जो कैरियर ऑप्शंस हैं उनको समझ रहे हैं, शुरू से उनके हाथ में पूरी दुनिया है एक स्मार्टफोन के रूप में, और उसमें वो सब कुछ देख रहे हैं, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, तो उसके अनुसार वो अपनी योजनाएं बना रहे हैं। तो हमें भी ये बात समझनी चाहिए कि वो बहुत कुछ सीख रहे हैं, हमसे बहुत आगे हैं, उनकी सोच भी हमसे बहुत आगे है, क्योंकि हम लोगों ने जब अपना कैरियर बनाया था तो उस समय हमें ज्यादा जानकारी नहीं थी, हमारे पास इंटरनेट की इतनी सुविधाएं नहीं थी कि हम देख सके कि कितने कितने कैरियर ऑप्शंस हैं, हम कहाँ जा सकते हैं, कैसे काम कर सकते हैं। हम तो अपने घर से निकलना भी अपने आप को असुरक्षित समझते थे कि नहीं, घर से तो बाहर जाना ही नहीं है, घर पे रहते हुए अगर हम कुछ कर सकते हैं तो वो हम कर लेंगे। लेकिन अब ऐसी स्थिति नहीं है, अब तो सारी दुनिया जैसे एक आप कहिए कि एक छोटे से फोन में सिमट कर आ गई है, कंप्यूटर में सिमट कर आ गई है, आप कहीं भी जाते हैं आप कनेक्टेड रह सकते हैं, अपनी फैमिली से जुड़े हुए रह सकते हैं, और सभी समय किसी भी समय अपनी फैमिली से बातचीत कर सकते हैं, कहीं से भी आने जाने की भी आजकल बेटर सुविधाएं हैं। तो इन सुविधाओं को देखते हुए अब दूरियां कोई मायने नहीं रखती है, इसलिए अगर हमारे बच्चे कुछ करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, कहीं बाहर रहकर अपना करियर बनाना चाहते हैं, तो अगर हम अनावश्यक रूप से उनमें दखल देंगे या अनावश्यक रूप से हम उनको मना करेंगे तो वो नहीं मानेंगे, और यहीं से जनरेशन गैप जो है वो और बढ़ता जाएगा, हमारी दूरियां हमारे बच्चों से हमारी दूरी बढ़ती ही जाएगी। लेकिन अगर हम उनको समझेंगे और उनका सहयोग करेंगे तो हमें भी अच्छा फील होगा और उन्हें भी अच्छा महसूस होगा, और दुगने उत्साह से वो कार्य करेंगे, और निश्चित रूप से उन्हें भी सफलता मिलेगी और हम भी अपने बच्चों से अपनी फैमिली से जुड़े रहेंगे। और इस जनरेशन गैप में जो कहते हैं ना कि बच्चे माँ बाप की नहीं सुनते, उनका कहना नहीं मानते, उनके पास नहीं रहते, उनकी सेवा नहीं करते, तो ये सब बातें भी बहुत हद तक सॉल्व हो जाएंगी। तो चलिए, ये तो मेरा विचार है, मैं तो खैर ऐसा ही करती हूँ, आप भी ऐसा ही करते हैं तो बहुत अच्छी बात है। किसी और बात के साथ, किसी और हमारी संस्कृति से जुड़ी हुई, हमारे बच्चों से, हमारे बच्चों की परवरिश से जुड़ी हुई किसी और बात को लेकर मैं फिर आपसे बात करूंगी। तब तक के लिए नमस्कार।